तो हमारे साथ हैं प्रमोद पावा साहब, डिप्लोमेट रहे हैं, पूरी दुनिया के देशों में रहे हैं और दुनिया को इन्होंने देखा है और नजदीक से देखा। एक होता है दुनिया को टीवी पे देखना, इंटरनेट पे देखना, टेलीफोन पे जान लेना, एक होता है सड़कों पे कदम रख के जाना। और जब आप सड़कों पे पैदल उतरते हैं तो आप सही से दुनिया को जानते हैं। प्रमोद पावा साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में ये जो इसराइल है, ऐसा क्या है इसराइल के पास कि जिसको चाहे उसको शीशी में उतार लेता है। दुनिया का हर डिप्लोमेट, हर बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो, कहीं का कोई राजा हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, वो उससे बाहर ही नहीं जा पाता है। ऐसा क्या है? और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रहा सवाल पैसे का, तो पैसे वाले दुनिया में बहुत सारे एक से एक हैं, तो ये क्या चीज है, क्या क्या वो है जिसके कारण वो सबको कंट्रोल में रखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पावा साहब, क्या है वो मंत्र इसराइल का जिसके कारण पूरी दुनिया उसके कदमों में है, अमेरिका से ब्रिटेन से लेके दुनिया भर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एकदम इसराइल इसराइल करते रहते हैं। सर, इसराइल एक टूल है, अपने आप में कोई अलग से कंट्री नहीं है, वो ब्रिटेन का ही टूल है, जिस तरीके से अमेरिका और जापान भी ब्रिटेन के टूल है। हाँ, उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अपने हिसाब से करता है, क्योंकि साम्राज्य मेरा मानना है आज भी ब्रिटेन ही है, और बर्किंगम पैलेस जो है आज भी वो काफी बड़े देश के, दुनिया के काफी बड़े हिस्से पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना शासन रखता है। बाकी अमेरिका को उन्होंने एक मिलिट्री के हिसाब से या एक सैनिक अड्डे के हिसाब से डेवलप किया, जापान को औद्योगिक नगरी के हिसाब से डेवलप किया, ब्रिटेन को सेंटर बना के रखा फाइनेंशियल्स का, और अल्टीमेटली ये सब एक ही है। जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस इंसिडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे सत्ताधीश और बड़े बड़े लोग इनकी इशारों पर नाचते हैं, तो सर ऐसा है, मेरे अपने अनुभव में सभी लोग, बहुत तरीके के लोग मिले, हर कंट्री के लोगों से दुआ सलाम भी हुई, क्या कहते हैं पंजाबी में, हमारे यहाँ कहते टाकरा हुआ, उसमें आईएसआई और इसराइल की जो एजेंसी है, ये दो ऐसी एजेंसियां हैं जो सबसे पहले कोशिश करती हैं आदमी को, आदमी की पूरी लूपहोल्स को गेट करने की। हालांकि हमारे यहाँ की या कोई भी दुनिया की एजेंसी है, वो अगर किसी से इंटरेक्ट करती है, मिसेस गांधी के जमाने में तो स्पेशल डॉक्टर ब्रूटा होती थी, साइकोलॉजिस्ट, वो यही सब देखती थी कि सामने वाला जो नेता है उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो सोचता क्या है। तो ये डॉक्टर अर्णब ब्रूटा थी, तो ये लोग जो भी एजेंसी है वो सबसे पहले उसकी कमजोरियां देखते हैं कि इस आदमी में क्या कमी है। कोई शराबी होता है, कोई कहीं से कमजोर होता है, कोई कहीं से किसी की और एडिक्ट होती है, तो ये उसी में फंसाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं देश का नाम तो नहीं लूंगा, वहां की एक बहुत बड़ी नेता की पुत्री थी, उसको शौक था साहब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का जी, तो हमने उसको डिजाइनर सूट और ये सब देने शुरू किए, वो इतना बड़ा अट्रैक्शन हुआ कि हमने, हमारे भारत का दुश्मन देश था, लेकिन उसके मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब कहलवा दिया जो कश्मीर के बारे में हम हमेशा से कहते रहे हैं। तो उसकी कमजोरी थी वो, उसको उसका उसके दिमाग में हमने डाल दिया धीरे धीरे, पहले रिलेशन बनाए, तो ऐसा ही होता है सर। और फिर आज तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि अंधेरे में भी आपके फोटो खींच जाते हैं, आपकी रीलें बन जाती हैं, आपके वीडियो बन जाते हैं, और उसके बाद फिर अगर मुझे सम्मान की चिंता है, एक नाम अभी बीच में आया था और उस नाम ने पूरी दुनिया को ये बताया कि किस तरह से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण शीशी में उतारे जा सकते हैं। जेफरी एपस्टीन, जेफरी एपस्टीन का जो काम करने का, देखते उसके पास पैसा बहुत था, तो वो पूरी दुनिया में लोगों को फाइनेंस भी कर देता था, किसी को अगर पैसे चाहिए तो पैसे दे देता था। इसके अलावा उसने एक अलग से अपना टापू रखा हुआ था, उस टापू पे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष सारे लोग उसके मेहमान होते थे, वहां शराब और शबाब होता था, उसके साथ पाप भी होता था, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे उसके ऊपर भी, और उसके मेहमानों को भी वो छोटे बच्चे परोसा करता था।
और अब जो जांच हो रही है ब्रिटेन में, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग उसके मेहमान सामने आ रहे हैं। सारा रैंसम का नाम है। सारा रैंसम जो है उसने आरोप लगाया कि 2016 में उसको, जब वो 17 साल की थी, एप्स्टीन ने दुनिया की बहुत सारी हस्तियों के सामने परोसा। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे और वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, हम सब जानते हैं। बिल क्लिंटन, जिनको मोनिका लेविंस्की केस में जो फंसे थे, इनके ऊपर ओरल सेक्स के आरोप लगे थे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भी इनके मेहमान होते थे। रिचर्ड ब्रैनसन, जो बहुत बड़ी दुनिया की एक वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस है, इसके अलावा बहुत शौकीन मिजाज आदमी माने जाते हैं, इन सबके, इसके अलावा बहुत सारे 50-100 लोग थे, उन सबके, उनके पास कच्चा चिट्ठा निकला। और उस आदमी के पास बहुत सारे सर, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हम और आप लेते हुए डरेंगे और ले नहीं सकेंगे। जी जी, नहीं ले पाएंगे क्योंकि पर ऐसे ही कोई किसी के इशारों पर नहीं नाचता सर। वर्ल्ड बैंक अगर बना है, आईएमएफ बना है, अगर उनकी टर्म्स कंडीशन है, अगर वो कहते हैं कि हमें फूड चेन पर और खाने पर, अन्न पर कब्जा करना है, तो ऐसे ही तो सरकारें कानून नहीं बना देती ना। अगर वो कहते हैं कि हमें यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन पर कब्जा करना है, हमने आपके बंदरगाहों पर कब्जा करना है, तो ऐसे ही नहीं बनती। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, तो कहीं ना कहीं उसने अपने सामने मुखौटे बना के रखे थे जो राजा महाराजा थे। वो राजा उनके लिए काम करते थे, लेकिन हमारे राजा थे, हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो यही ये सिस्टम ब्रिटेन का बहुत पुराना है और चलता रहता है। इसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नाम जो भारतीय नाम नहीं, उनका नाम नहीं लेते, ठीक है, भारतीय नाम नहीं लेते, क्योंकि वो नाम लेने के बाद में एक तो साबित करना मुश्किल है, और दूसरा वो ऐसी ताकतें हैं, आपने गुनाह किया हो नहीं किया हो, ऐसे ऐसे कानून में आपको डाल देंगे, आप साल डेढ़ साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आया था, हिलरी क्लिंटन का भी आया था, डेविड कॉपरफील्ड एक जादूगर थे अमेरिका के, उनका आया था, जॉन केनली का नाम आया था, पुलिस डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे वो, इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, अल गोर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के रहे थे, इसके साथ साथ रिचर्ड ब्रैनसन का मैं नाम बता ही चुका हूँ, स्टीफन हॉकिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, इनका नाम इसके आने का क्या मतलब, वो तो बहुत उस तरह से कमजोर व्यक्ति थे शारीरिक रूप से, और उनका शरीर पूरी तरह काम नहीं करता नहीं, ये इस तरह ऐसा होता है कि कुछ लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनकी बात को दुनिया सुनती है, उन इन्फ्लुएंसर को भी कहीं ना कहीं अपने ग्रिप में लेकर ऐसा किया जाता है। जैसे कई लोग सलाहकार होते हैं कई देशों में, तो उन सलाहकारों को अपने साथ जोड़ के, अगर वो इस तरीके से कमजोरी में नहीं फंसते, तो उनके बच्चों को फाइनेंशियल फंसा लिया जाता है, उनके बच्चों को जॉब दे के, और उनको थ्रेट दी जाती है, उसमें लाइफ थ्रेट भी है, सारी बातें हैं। तो ये एक सीधा तरीके से कहें तो एक ब्लैकमेलिंग का जरिया है, ब्लैकमेलिंग का तरीका है कि या तो सीधे सीधे हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो फिर हम ऐसे मनवाएंगे, वरना तो आप हमसे बेनिफिट लेते रहें और हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। अब आप ये सामान, ये जो आदमी था जेफरी एप्स्टीन, ये आदमी अमेरिका में, इसके ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है जासूसी के, और लगातार नई नई डिस्कवरी हो रही है, इसके ऊपर जासूसी के आरोप लगे, इसके ऊपर आरोप लगे कि अमेरिका के सीक्रेट्स निकलवा लेता था सेक्सटॉर्शन करके, और खास तौर पे पोर्टोफिलिया के आरोप हैं, शराबखोरी के आरोप हैं, ये इसके द्वीप, इसके जो इसका जो बीच था, जो द्वीप था कहें, इसका आइलैंड था, उस पर जाके लोग अय्याशी करते थे, बड़े बड़े लोग दुनिया के, और ये उनकी वहाँ पे वीडियो फोटो निकाल लेता था, फिल्म निकाल लेता था, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में बीच में कुछ डाल दूं। तो इसका ये जो मोटस ऑपरेंडी क्या था, ये कैसे शुरू हुआ, और इसके बावजूद इजराइल में इसको क्यों इतनी इज्जत मिलती रही, वहां के प्रधानमंत्री यही जो आजकल वर्तमान है, ये उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं, थोड़ा सा बताइए क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी इस बारे में। सर जितना बड़ा ढोल उतना बड़ा डंडा, वो पैसे वाला था तो अपने आरएल पे ले जाता था, जो गरीब आदमी होगा वो ओयो के होटल में ले जाएगा, पर अल्टीमेटली सामने वाले को अपने पक्ष में करने का एक यही तरीका होता है कि उसकी कमजोरियों को पकड़ा जाए, उसको सामने ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे सीडी का हो, और चाहे फोटो का हो, कहीं ना कहीं वो सभी लोग दबाव में आ जाते हैं। दक्षिण एशिया में अगर मैं कहूँ
तो सिर्फ 3-4 ऐसे नेता हुए हैं जो किसी दबाव में नहीं आए, उसमें हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, और अनफॉर्चुनेटली इनमें से 3 को शहीद होना पड़ा जी। वो उसके पीछे वही रीजन था कि इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने से मना कर दिया था। ऐसे जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, ऐसे इमरान खान आजकल जेल में है, वो इसलिए जेल में है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने के लिए तैयार हैं। एक दोबारा से 2070-2071 का सहने आप हो सकता है इंशाल्लाह देखें बहुत जल्दी, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट बन जाए और एक ऐसा स्टेट बन जाए जहां उसके अड्डे कायम रहे। आज भारत के अलावा दक्षिण एशिया में अमेरिका को कोई डायरेक्टली इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, खासकर गजा के और फिलिस्तीन के मामले में। तो ये सब पार्ट ऑफ द गेम है सर, ये हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं है। नहीं, आपके लिए अनोखी बात नहीं है, लेकिन आपका जानकारी बहुत है, बड़ी बात यह है, और इसलिए मैं आपसे बार बार खोद खोद के पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें हिलरी क्लिंटन का भी नाम आया। हिलरी क्लिंटन इसके कैरेबियन जो द्वीप था उस पर जाके क्या करती थी एडल्ट पार्टीज में, ये इनका नाम भी आ रहा है, ये क्या हो सकता है सर? उसको आइस का एडिक्शन हो जी, या वहां पर ये होता है एक क्लब में गए तो आप गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, आप बातचीत भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी कमजोरियां होती है, जरूरी नहीं है कि वही कमजोरी है किसी की खाने की, किसी की पीने की, किसी की पहनने की, और अगर नहीं है तो वो कमजोरी उसको लगा दी जाती है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं जी। तो जो पीड़ित है उनकी एक बड़ी लिस्ट आती जा रही है, अब ये तय हुआ है कि $20 करोड़ एक एक आदमी को मुआवजा दिया जाएगा, और इस मुआवजे के कारण बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, और बिल क्लिंटन, उनकी वाइफ हेनरी क्लिंटन, मतलब दोनों एक ही परिवार के दोनों लोग, एक ही क्लाइंट है, एक ही आदमी है, और आप सोचिए कि ये लोग देश संभालते हैं। जब आदमी इतना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है तो क्यों ना, आप क्या आपने कभी ये महसूस किया कि इन लोगों के साथ एप्स्टीन की रिलेशनशिप का इसराइल को फायदा मिला, तो मिला तो कौन कौन से केसेस में मिला, कहाँ कहाँ इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। आज गजा के ऊपर कितनी वो नरसंहार कर रहा है, पूरी दुनिया उसके विरोध में खड़ी है। ब्लिंकन कहता है कि हमें टू नेशन थ्योरी पर हम एग्री करते हैं, लेकिन उसको हथियारों की सप्लाई चालू रखी हुई है उसने। आप एक बात देखिए कि अगर हुतीज ने आज रेड सी के अंदर या बाबल अल मंदर के अंदर उसने रोक लगाई हुई है या वहां पर वो हमले कर रहा है, तो उसमें ब्रिटेन का क्या लेना देना इजराइल के साथ? लेकिन ब्रिटेन अमेरिका से भी पहले आया है, और ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, क्योंकि आपको याद हो ये थी एक लेडी जो प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की, मार्गरेट थ्रेचर के यहाँ ओबामा ने विजिट की थी, और उसके बाद जब वो अलग जब उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा या एग्जिट करना पड़ा यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से, तो वो रोने लगी, ब्रेक्सिट जो किया उन्होंने, तो वो पब्लिकली रोने लग गई थी। उस रोने के पीछे क्या रीजन था? उस रोने के पीछे यही रीजन था कि जिस पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट को, इजराइल, जापान, अमेरिका और पूरी के पूरे सिस्टम को जो MI6 चलाती थी, वो MI6 से पावर लेके CIA को दे दी गई, और CIA और मोसाद दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक ही है। तो जब ब्रिटेन के हाथ से पावर जानी शुरू हो गई, मेरे ख्याल से नाम जो है, अगर हम लेडी का नाम ले रहे हैं तो मार्गरेट थैचर तो बहुत पुराना नाम हो गया, शायद ये तो डेविड कैमरून का दौर था जब ये ब्रेक्सिट हुआ है, और टेरेसा मे की बात नहीं सर, मैं मार्गरेट थैचर की ही बात कर रहा हूँ। आप अगर सर्च करेंगे तो उनकी रोती हुई एक तस्वीर सामने आ जाएगी, वो पार्लियामेंट में रोने लगी थी, और उनके रोने के पीछे यही कारण था कि अमरीका ने
अमेरिकन भी तो बेसिकली ब्रिटेन के ही लोग हैं जी जी उन्होंने ब्रिटेन से ही तो ब्रिटेन के से ही गए थे और उसके बाद जो उन्होंने 13 राज्यों ने वहां पे बगावत खड़ी कर दी थी और उसके बाद एक उनका एक गोपनीय कोई समझौता ऐसा है कि वो अलग होके भी इकट्ठे हैं। आज देखिए कि जितनी भी फाइनेंशियल मूवमेंट्स होती हैं वो ब्रिटेन के थ्रू होती हैं जी। बैंकिंग सिस्टम और सब कुछ आपको याद हो एक नाम बड़ा फेमस है रोथचाइल्ड का जी जी जो दुनिया भर की बीमा और बैंकिंग कंपनियों को संभालता है उसके अलावा सुसन है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों का भारत में दखल नहीं रहा होगा या भारत में नहीं था। यहाँ पर आज एक एक्सिस बैंक था जो कभी यूटीआई होता था जी। तो उसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि उसमें डायरेक्ट रोथचाइल्ड का पैसा लगा हुआ था, अटल जी ने आके उसको सेटल किया, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे जिसके बाद वो एक्सिस बैंक बना और उस टाइम पर उन्होंने बहुत सी ऐसी इंश्योरेंस की स्कीमें लगा दी गई थी। आज आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराने के लिए मजबूर होते हैं और धीरे धीरे ये हालात हो जाएगी। इससे पहले था कि अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, और अगर आप अमरीका में या कैनेडा में हैं तो वहां आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंश्योरेंस कंपनियां घाटे में दें। अल्टीमेटली सब जितना भी युद्ध चल रहा है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी पावर गेम है, इसके पीछे आर्थिक साम्राज्य है, आर्थिक लूट है, और उसी आर्थिक लूट के लिए चाहे वो गजा हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे यमन हो, और चाहे आने वाला कोई देश हो, वो ही सब चलता है और उसी की वजह से ये सारे काम होते हैं। हाँ, जिनके पास आर्थिक साम्राज्य है, जिनकी मुट्ठी में ये सारी बैंकिंग प्रणाली है पूरी दुनिया की, वो कभी सामने नहीं आते, वो हमें और आपको शायद मालूम नहीं होते कौन लोग हैं, लेकिन वो जब चाहे जिसकी चाहे सरकार को उखाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। मेरा तो ऐसा ही मानना है, मुझे तो ये सरकारें इस तरीके से उनकी कठपुतलियां लगती हैं। अभी मैं सोच रहा था इस पे अलग से वीडियो बनाने का, एक ताजा खबर है और ताजा खबर ये है कि अमेरिका ने भारत से कहा कि आप जो है वो एक सीलिंग लगी हुई है कि $60 से ज्यादा में आप तेल नहीं खरीदोगे और अगर खरीदने भी जाते हैं तो भारत की बैंक फाइनेंस नहीं करती है, भारत की बैंक पैसे नहीं देती है, कहती है भैया कहीं और से लो, हमारा चेक मत काटना। रूस से $60 per barrel से ऊपर आप नहीं खरीद सकते थे, ये उसने सीलिंग लगाई। इसके अलावा उसने यूरोप के देश जो नाटो मेंबर थे उनको कहा कि तुम तेल मत खरीदना, खबरदार। तो वो घुमा के तेल खरीद रहे थे, भारत कच्चा तेल खरीदता था, यहां से रिफाइनिंग करके यूरोप को भेजता था, और अमेरिका ने अपना आधा जो ऑयल का रिजर्व था सारा का सारा वो बीच में बेच लिया और बहुत पैसे बना लिए। अब खबर आई है कि उसने उसी रूस से, जिसके खिलाफ दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए हुए थे, अक्टूबर में उसने तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब खबर अब आई है तो अभी जनवरी आ गया है, उन 3 महीनों में उसने और बहुत सारा तेल जो है वो कितना ज्यादा कितना कम हुआ है वो अलग मसला है। लेकिन जहां आप पूरी दुनिया पे प्रतिबंध लगा रहे हैं और अब आप उसी से तेल खरीद रहे हैं, जिस यूक्रेन के आप बहुत सगे बनते थे उसको बर्बाद करवा दिया, उसका सब कुछ सुपड़ा साफ करा दिया, उसके बिल्डिंग सब कुछ अगर आप हिसाब में जाएंगे तो वो उसको अब खड़ा होने में 100 साल लग जाएंगे, उस यूक्रेन को आपने जो है छोड़ दिया, अब रूस के साथ बैकेंड पे आपने संबंध अच्छे कर लिए। तो ये दुनिया की ताकतें जो किसी की सगी नहीं है, जब हम लोग समझते हैं कि हमारी सगी होने वाली है तो ये गलती नहीं सर, कोई कोई किसी का सगा नहीं होता। आपको हैरानी होगी कि ईरान को सबसे ज्यादा गालियां डोनाल्ड ट्रंप देते थे और उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाला था कि हम ईरान से तेल ना खरीदें, जबकि हम ईरान से सस्ता तेल लिया करते थे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ईरान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियों का लगा हुआ है, उसका दामाद का वहां पर ऑफिस है, उसके दामाद का वहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और वहां का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमरीका है। अमरीका के कहने पर हमने चाबहार का डेवलपमेंट रोक दिया। तो जिनको हम दुश्मन समझते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया बांटी गई थी तो जो आपस के दुश्मन देश थे उन्होंने ही बैठ के हिस्से बांट लिए थे कि ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसका पाकिस्तान तुम ले लो और इस पाकिस्तान के भी 2 हिस्से हम आने वाले साल में 25 साल के अंदर कर देंगे। 1971 में अगर बांग्लादेश बना था, ठीक है, अच्छी बात है, हमें गर्व होता है कि हमारी
सेना और हमारा नेतृत्व ने उसको उसको बीड़ा उठाया था, लेकिन 1948 में ही ये डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, और इस बात को पाकिस्तान भी जानता था। और जब पाकिस्तान को इशारा हुआ वहां की सेना को, नियाजी को, टिक्का खां को, तो उन्होंने कर दिया, जानबूझ के ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए। आज जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में खड़े हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएं। और उसमें पहले से तय हो चुका होगा कि बलूचिस्तान चीन ले जाएगा, ये हिस्सा चीन ले जाएगा, ये हिस्सा आजाद रह जाएगा, ये हिस्सा वहां रह जाएगा, ये सब डिसाइडेड होगा। ये भी डिसाइडेड होगा कि जो हिस्से होंगे उसकी सरकारें किसके इन्फ्लुएंस में रहेंगी। ऐसा क्या कारण है कि हम जब अमेरिका के साथ जाते हैं तो वो रूस के साथ चले जाते हैं, जब हम रूस के साथ होते हैं तो वो अमेरिका के साथ चले जाते हैं? मतलब एक ही नस्ल के लोग, एक ही संस्कृति के लोग जो कल तक इकट्ठे थे, वो हमेशा ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी उन्हीं की कठपुतलियां हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो ने, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, राजीव जी मुझे अपने साथ इस्लामाबाद लेके गए थे, तो अभी भी एक जिंदा है अनवर मकसूद कराची के, वो भारत के हैदराबाद से गए हैं, वहां के बड़े फेमस, जिनका वो एक प्रोग्राम बड़ा आता है, अबे साले ऊंट के पीछे हारमोनियम बजाते हैं, लूज टॉक। तो उन्होंने पूरा अपना जो भाषण तैयार किया था उसमें ये जिक्र था कि भारत और पाकिस्तान एक शांति और मित्रता की संधि करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेनजीर की तख्ता उलट दिया गया, बाद में उनको शहीद कर दिया। तो ये सर कहीं ना कहीं कठपुतलियां हैं, किसने चुनाव जीतना है, किसने चुनाव हारना है, ये सब स्क्रिप्टेड है, डिसाइडेड है। मेरा तो अपना यही मानना है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी तो सबके अपने अपने विचार हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद चलते रहते हैं। जनता का प्रशासन कुछ और बनाया जाता है, जनता को बहकावे में इसलिए रखा जाता है कि जो जैसे स्पेन में कहते हैं फोर्थ कॉलम, जब सोच अंदर आती है तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है या उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, वो बहुत बड़ा एक थिएटर होता है फोर्थ कॉलम का। तो स्ट्रीट पावर ना आ जाए, जनता सड़कों पर ना आ जाए, इस डर से जनता को किसी ना किसी बहकावे में और मासेस को मोटिवेट करने में पूरा का पूरा एक सिस्टम लगा रहता है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो और चाहे अखबारों के थ्रू हो। हाँ, आप जैसे कुछ लोग हैं जो बीच में, मैं ये तो नहीं कहूंगा गद्दारी कर देते हैं या क्रांति कर देते हैं, हाँ, लेकिन कुछ अपनी अलग से सच्चाई सामने बोलने लगते हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, पसंद भी करते होंगे, जिसकी समझ में आ जाए वो जरूर पसंद करता होगा। जी, और वो अलग अलग नाम पे, किसी बहाने पे, कभी किसी को धर्म के नाम पे, कभी किसी को जाति के नाम पे, इसी तरह से वो कंट्रोल करते थे। कुल मिला के सारे वो धागे हैं जिससे जनता को बांध के रखा जाता है, कठपुतली की तरह नचाया जाता है। एक चीज और कही जाती है साहब कि ईरान के साथ में सीधा जो संबंध है समुद्र के जरिए वो गुजरात और महाराष्ट्र का है, वो जो पोर्ट है मुंबई के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, उन पोर्ट्स के जरिए ही ये संबंध होता है। और अब जो है वो, अगर आपका मैदानी इलाकों से संबंध अच्छे पाकिस्तान से संबंध हो जाते हैं तो काफी व्यापार फिर राजस्थान का भी होने लगेगा, इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ लगती है। सर ऐसा है, हमारा सबसे पुराना बंदरगाह नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो मांडवी है जी, मुंद्रा पोर्ट से, गांधीधाम से करीब 70 किलोमीटर आगे है, और वहां से ओमान समुद्र के हिसाब से कहें तो बिल्कुल 4 कदम की दूरी पर है, और मुंबई से दुबई, दुबई बहुत नजदीक है। तो अरब सागर में जब हम जाते हैं तो ये सब हमारे नजदीक हो जाते हैं। अगर हम ये लैंड वाला रास्ता खोल देते हैं जो पाकिस्तान के थ्रू जो होके जाता है, अफगानिस्तान के थ्रू होके जाता है, तो हमारी बहुत सुविधा हो जाएगी यूरोप तक पहुंचने में। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे बड़ा रोक तो चाइना का होगा, चाइना हमें रोकना चाहेगा, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उससे आगे बढ़ जाएं, जबकि हमारी क्षमता है कि हम चाइना से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास सस्ती लेबर है, बहुतायत में लेबर है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, हमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम अगर सही अपनी नीतियां लेकर चले और सही तरीके से चले, मध्यम श्रेणी का या कुटीर उद्योग का डेवलपमेंट करें जैसा 1974 में किया गया था मिसेस गांधी के टाइम में, तो हम चाइना को पछाड़ सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। लेकिन चाइना ऐसा नहीं पाएगा और इसीलिए उसने लद्दाख में और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आकर उसने अपनी घुसपैठ की है, उसने हमारे ही एरिया को बफर जोन बना दिया है। जो अक्साई चीन के ऊपर हमारी अप्रोच थी ईजी था जाना, जिसको हम लिटरली बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते थे, वहां उसने बैरियर्स खड़े कर दिए हैं। तो ये नीतियां 20 साल 25 साल आगे की होती हैं, बहुत सोच के चलना होता है। या हम पिछले 10 साल में थोड़ा सा धोखा खा गए, उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हो। वैसे एक चीज कहते हैं सर जी, चाइना लोग, चाइना और रूस वाले एक चीज कहते हैं कि बजाय इसके कि हम मीडिया को पैसे देके मीडिया खरीदें या वहां के पब्लिक का ध्यान बदले बदले, उससे कम पैसे में तो वहां के नेता खरीद के अपना काम करा लेंगे। अब वो गलत है सर, तो वो जानते हैं। तो अभी जो है निष्कर्ष के तौर पे अगर हम वापस आते हैं एप्स्टीन पे, तो एप्स्टीन के अलावा, एप्स्टीन का तो एक तरीका भाई उसने कैरिबियन एक द्वीप रखा हुआ था, एक इसराइल का आदमी था, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को फंसाता था, फंसा के वो अपने पास लेकर आता था और उसके जरिए वो अपना अपना काम निकालता था, अपने देश का काम निकालता था, पैसे बनाता था, फाइनेंसर भी था। और कौन कौन से तरीके होते होंगे दुनिया के लीडर्स को काबू करने के एप्स्टीन के अलावा? सर उसके जो सलाहकार मंडल है जी, वहां पर अपने आदमियों को डाल देना जो उनको गलत सलाह दे। अब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किस कारण से हुई, क्या लाभ हुआ, इसको कोई नहीं जानता, किसकी सलाह पर कोई नहीं जानता। अपॉइंटमेंट करा देना, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करा देना जी, अंडर पे। तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनवाने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर रहा था जी। तो नहीं जानते लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं बाबू जयशंकर जी, इनका बेटा क्योंकि बड़ी अच्छी जॉब करता है अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव रहता है जिसकी वजह से ये विदेश मंत्री बने हैं। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, अंबानी के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में है ना, ओआरएफ में ना इनका बेटा, साउथ एशिया को देखते हैं। लेकिन जय बाबू को जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे पॉलिटिक्स में आने के। बहुत जहीन आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और चंद उन डिप्लोमेट्स में से है जो चाइनीज लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकते हैं, रशियन वो फ्लुएंटली बोल लेते हैं। तो उनसे कभी बात भी कहीं अनऑफिशियली हुई तो वो किसी भी पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनको भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो सर ये सब चीजें भी होती हैं सलाहकार। उसके अलावा जो कमजोर और कायर किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं, डरपोक टाइप के, उनको थ्रेट होता है, उनको एक भय दे दिखाया जाता है, उनको डेथ थ्रेट दी जाती है कि तुम्हारा कभी भी खात्मा हो सकता है, तुम्हारा जहाज भी उड़ सकता है, तुम्हारे टॉयलेट में से भी कुछ निकल सकता है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने आदमियों को उनके सुरक्षा चक्र में डिप्लॉय कर देती है और फिर उनको बताया जाता है कि जैसे मिसेस गांधी के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो सर सब अपना वे आउट है, कुछ डरा के काम कराते हैं, कुछ प्यार से कराते हैं, सबका अपना नेचर होता है। आप कभी इनके एजेंटों से मिले इजराइल वालों से तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेके बैठे होंगे, आपका बेटा वहां पढ़ता है, आपकी बेटी वहां पढ़ती है, आपका घर वहां पर है, आपके घर के सामने पार्क है, आप इतने बजे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो आदमी को डर लग जाता है। अमरीका वाले जब भी बात करते हैं वो दबाव में करते हैं, रूस वाले जब भी बात करते हैं वो बड़े प्यार से बताएंगे कि आप ऐसा कर लें इसमें आपका फायदा है, पाकिस्तान वाले जब भी नेगोशिएशन करते हैं तो वो आपसे रिश्तेदारी बना लेते हैं, अरे सर आप तो हमारे अपने भाई हैं, आपका फादर वहां थे, मेरे भी फादर वहां थे,
टिपिकल पंजाबी स्टाइल। हाँ वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, पर चाइना का चाइना के लोग ऐसे हैं जिनको समझना और जिनसे नेगोशिएट करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता ये आदमी हंस रहा है या रो रहा है या क्या सोच रहा है आपके बारे में। जी जी जैसे तो रशियन के बारे में भी कहा जाता है कि हमेशा शक्ल से खड़ूस दिखते हैं और पता नहीं लगता है कि वो कभी खुश भी होते होंगे नहीं होते होंगे। लेकिन एक चीज बताएं साहब, क्योंकि क्या आप ये पूरी दुनिया में लोग ऐसा करते हैं, क्या भारत में भी, भारत भी कहीं कहीं दूसरे मामलों में कहीं पे दखल रखता है, कुछ चीजें संचालित करता है, या ये जो छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं कि इसको खालिस्तानी को मरवा दिया इस टाइप की चीजें ही से काम चला लेता है अपना, बड़े काम नहीं करता बड़े। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम भी उनके तरीके के हैं, लेकिन हाँ हमें गर्व करना चाहिए कि भारत की एजेंसी विश्व में अब तक सबसे अच्छी एजेंसी में गिनी जाती थी, और हमारे जितने भी काम करने वाले लोग थे इन एजेंसीज के, ऐसा मीडिया में देखा है मैंने, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती थे। हाँ कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे कुलभूषण जाधव के मामले में बेवकूफी हो गई, ऐसे आदमी को वहां अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए था जो कद काठी और बोलचाल से वहां जैसा ना दिखता हो। तो ये बात तो मानते हैं कि नेगोशिएशन में, बातचीत में, वार्ताओं में भारतीयों से बड़ा धूर्त कोई नहीं है, ये फैक्ट है। और हमसे ज्यादा जितनी टफ ट्रेनिंग होती है इंडियंस के एजेंसीज वालों की, उतनी टफ ट्रेनिंग किसी की नहीं होती, राम धाम दंड भेद सब चीजें जानते हैं, और सबसे कामयाब एजेंसी है, मुझे इस बात पर गर्व। लेकिन ये अभी पन्नू के मामले में गुप्ता जी ने क्या गलती कर दी, ये तो बड़ी अजीब बचकानी टाइप की हरकत थी, अगर ऐसा उन्होंने किया, अगर ऐसा भारत ने करवाया तो बिल्कुल ही जो है अनाड़ी टाइप का काम था। उसमें क्या हुआ कि जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स या देखे अगर इंटरनेट पे जो खबरें आई हैं उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अगर ऐसा किया, हालांकि मैं तो नहीं मानता ऐसा किया होगा, तो इन्होंने ये काम एनआईए के थ्रू कराया। अब आप दरोगा को अगर सरहद पे तैनात कर देंगे तो वो तो 200 रुपए लेके आपका पार्सल जाने देगा ना। फौज फौज होती है, पुलिस पुलिस होती है, सबके अपने अपने काम है, सब अपने क्षेत्र में बेहतर है। अब आप पत्रकार हैं, अगर आपसे कहें आप समोसा जलेबी बना लें तो शायद आप फेल हो जाएंगे और समोसा जलेबी वाला आपकी जगह काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वो गलती कर गए, यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर गए। अगर एनआईए की जगह किसी और से कराया होता या उसको प्रोफेशनल लोगों के थ्रू ऐसा किया होता, हालांकि ऐसा नहीं होता, हाँ तो पता भी नहीं लगना था कब हुआ क्या हुआ। बाकी इन सब एक छोटे मोटे प्यादों को ऊपर नीचे करने का कोई फायदा नहीं होता। देखिए जैसे मालदीव वाला मामला था, मालदीव को हमने बहुत अच्छे तरीके से काबू करके रखा हुआ था लंबे समय से। राजीव गांधी ने जब उनके यहाँ पे बगावत हो गई थी, कुछ व्यापारियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, राष्ट्रपति छिप गए थे सेफ हाउस में, तो भारत से सेना जाके उनको रेस्क्यू कराया। उसके बाद से लगातार एक हमारा होल्ड था मालदीव के ऊपर और एक स्ट्रेटजिक पोजीशन थी मालदीव की, जहां से आप श्रीलंका, हम्बन टोटा, दूसरी जगहों पर नजर रख सकते थे। और ये नया कुछ ऐसा डेवलपमेंट अचानक हुआ कि वहां पे एक इंडिया आउट मूवमेंट हुआ, इंडिया आउट मूवमेंट बढ़ता रहा, उसको भी रोकने की कोशिश हमारी तरफ से पता नहीं किस तरह से हुई नहीं हुई, और पूरा एक माहौल बन गया। चीन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगातार लगातार चला रहा है, ये नहीं कि मोइजू से पहले वाले जो थे उनके टाइम में भी लग रहा है, वहां पे ब्रिज बनाए गए हैं, बहुत सारे काम हुए। अब ये अचानक ऐसा हो गया कि वो भारत इंडिया आउट जैसा नारा दे रहे हैं। सर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर को सब आपके सब पाप माफ कर सकता है लेकिन अहंकार की कोई माफी नहीं। कुरान भी कहती है कि अल्लाह जो है तकब्बुर को पसंद नहीं करता। तो हम एक अपने ही जाल में फंस जाते हैं कई बार, जिसे कहते हैं आदमी खुद पे फिदा होना। शीशा देख के आदमी सोचता है कि मेरे से तो खूबसूरत और मेरे से तो इंटेलिजेंट कोई आदमी नहीं है, जबकि वो सबसे बदसूरत और सबसे बेवकूफ होता है जो अपने बारे में जो अपने जी अपने बारे में ये मानता है आत्मुग्धता। तो हम जैसे मीडिया ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया हमारी नीतियों को, सरकारी नीतियों को, और एक तरफा हम चलते चले गए। उसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ी बेवकूफों की फौज खड़ी कर दी, जिसको आप आईटी सेल कहते हैं, चाहे वो आईटी सेल किसी भी पार्टी का हो, मैं पर्टिकुलर एक एक्स वाई जेड एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो
बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हमारे ओवैसी साहब का हो, पतंग वालों का, किसी का भी हो, तो जो आईटी सेल के मूर्ख हैं, वो मूर्ख देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 10 साल में हमने शिक्षा को बहुत पीछे कर दिया है, हमने पत्रकारिता को बहुत पीछे कर दिया, हमने मीडिया को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया है। आज खुद नड्डा जी भी सच्चाई नहीं जानते, कल तक जो हमारे सबसे सर्वमान्य पूजनीय शंकराचार्य थे, आज हमारी आईटी सेल उन्हीं के ऊपर तनकीद कर रही है। तो इस तरीके के काम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं, और विदेश नीति और जो भी नीतियां बनती हैं एजेंसीज की, जो गोपनीय नीतियां बनती हैं, वो अगले 25 से 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। और कभी वो कामयाब होती हैं, 2-4-5 साल की नीतियां कभी कामयाब नहीं होती, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, चाहे वो व्यापार में हो या देश में हो। तो मालदीव को लेकर हम यहाँ गलती कर गए, हमें तभी कदम उठाते मजबूत रखते रहना चाहिए था जब हम देख रहे थे कि वहां चाइना का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ, उसने हमको हमारे हाथ में $40 मिलियन देके हमें निकाल बाहर किया, जो हम सिटी बना रहे थे हम्बनटोटा के पास। और ऐसा ही नेपाल ने किया, जब नेपाल में भूकंप आया तो हमने सबसे पहले वहां पर अपनी इमदाद भेजी, सहायता करने वालों में सबसे ज्यादा सबसे पहले भारतीय थे। लेकिन हमारी मीडिया ने वहां क्या तमाशा किया, उनकी गरीबी की मजाक उड़ाई। और कोई भी समाज अपनी अस्मिता के ऊपर, अपनी अना के ऊपर, अपने आत्मसम्मान के ऊपर समझौता नहीं कर सकता, और खासकर नेपाली तो इस मामले में सबसे आगे हैं। तो इस तरीके के कदम उठाना हमारी बेवकूफियां, हमारी गलतियां हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं जानते हैं या लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जरूर मैंने कहीं सुना था कि सरकार के आने के बाद करीब 150 बड़े अधिकारियों ने चुपचाप या तो इस्तीफा दे दिया है या VRS ले लिया है। मेरे साथ भी काम करते थे गौतम मंबा वाला, बहुत कामयाब डिप्लोमेट है जी, वो भी पाकिस्तान पोस्टेड थे, तो उन्होंने वहां से VRS ले लिया, अब शायद कहीं पढ़ाते हैं क्या करते हैं। इस तरीके के बहुत से लोग हैं जिनको हटा दिया गया, लगा दिया गया। ये लोग ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थक थे या बीजेपी के विरोधी थे, XYZ थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं देश के विरोधी नहीं थे, और एक बहुत अनुभव लेकर और बहुत प्लानिंग लेकर वो लोग काम करना जानते थे, अपने किसी राजनीतिक हित के लिए देश के हित को दांव पर लगा देना समझदारी नहीं होती, और उसका बाबा साहब। और मैं चाहूंगा कि दोबारा भी हम लोग मिलते रहेंगे, और आपके जरिए हमको ये ग्लोबल अफेयर्स पे और जियोपॉलिटिक्स पे और सरल तरीके से और भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है हमारे दर्शकों को। एक अनपढ़ आदमी से आप इतनी उम्मीद रखें से ज्यादा की नहीं। अब बाबा साहब आप क्या हैं, तो आप बता ही दीजिए अपने बारे में, आज थोड़ा सा 2 मिनट आपके ऊपर हो जाए कि भाई बाबा साहब क्या है। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मेरे पिताजी गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान करते थे, वहीं से नगर पालिका के स्कूल में पढ़ा हूँ, 8-8 साल की फीस जाती थी जी। और वहीं पढ़ते पढ़ते जब 92 के दंगे हुए, तब हमारे फादर ने कहा कि हम अकेले हैं। हमारे फादर और हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो जरूर उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिसने अकबर को शिकस्त दी थी। और आप जानते हैं फिर अपने जीवन में एक ही युद्ध आ रहा है, वो हमारे बुजुर्गों से आ रहा है, और उन्हीं से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है जो कल परसों गुजरा है जी। तो हमारे बुजुर्ग उसी एरिया को बिलोंग करते थे, डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद टिंडी पट्टियां दी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हालांकि लोग कहते हैं पाकिस्तान है, एक अलग देश है, मैं और मार्कंडे कार्डजू यही मानते हैं कि वो एक फेक कंट्री है, और इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल फिर एक होगा, फिर इकट्ठे होंगे, फिर हिंदुस्तान बनेगा, उतना ही बड़ा उतना ही शानदार हिंदुस्तान बनेगा, जो दुनिया की 27% GDP में अपना हिस्सा रखेगा जी। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताना भूल गए, उन घाटों के नाम बताइए जहां जहां का आपने पानी पिया है। बस सर, एक अफ्रीका रह गया, एक सऊदी अरब रह गया।
तो बड़ी तमन्ना, बड़ी तमन्ना है कि एक बार सऊदीया में, चाहे दूर से ही है, लेकिन उस मुकद्दस जगह के दर्शन तो कर लें जहां हमारे बाबा गुरु नानक देव गए थे। स्मृति जी, तो वहां आप जाना चाहते जी तो आई है। हैं जी, और मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आप जो है वहां क्या करते थे इन जगहों पे, क्योंकि इधर मैं कुछ सीधा सीधा कारोबारी सर, दुकानदार आदमी। जी, ये वहां पे दुकानदारी करते थे। खैर, जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब का, धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू वेरी मच।